नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर वन एंड जीएस पेपर टू, ये कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, किस टाइप का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि किस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है और दोस्तों आप भी यूपीएससी के जर्नी में आना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी ये वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, अगर बात करें यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की, प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की, तो दोस्तों इसमें टोटल टू पेपर होते हैं। जीएस पेपर वन होता है पहला और दूसरा होता है जीएस पेपर टू। दोस्तों, जीएस पेपर टू को ही आप सी साइड भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जीएस पेपर वन की तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दोस्तों टोटल ये 200 मार्क्स का होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब दो नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड दोस्तों जो ये पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मतलब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब दोस्तों अगर बात करें जीएस पेपर टू की, जिसे आप सी साइड बोलते हैं, दोस्तों टोटल इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये 200 मार्क्स का होता है। मतलब अगर बात करें तो ये हो गया 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 की ही होती है। और दोस्तों ये पेपर जो होता है केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब आपको इसमें 33% मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है। अगर बात करें इस पेपर के टाइप का, तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोट इसमें है, अगर आप जीएस पेपर सेकंड जो सी सेट का होता है, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपका जीएस पेपर वन का जो है कॉपी चेक होगा। अदरवाइज अगर आप जीएस पेपर टू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी जीएस पेपर वन की कॉपी चेक नहीं होगी। दोस्तों ये तो बात हो गई प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न के ऊपर, मतलब प्रीलिम्स का क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें टाइमिंग की, तो दोस्तों दोनों में ही आपको 2 आवर्स की टाइमिंग मिलती है, मतलब 2 आवर्स जीएस पेपर वन में एंड 2 आवर्स जीएस पेपर टू में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कौन से पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है इसके ऊपर। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस पेपर वन के बारे में। दोस्तों जो आपका प्रीलिम्स में जीएस पेपर वन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें करेंट इवेंट पूछे जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो करेंट इवेंट होते हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज होती है करेंट की, वो दोस्तों आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें आपसे कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इससे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आपकी दोनों ज्योग्राफी इंक्लूड होगी, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दोस्तों आपसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का। दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, पॉवर्टी के बारे में पूछा जाएगा, इंक्लूजन के बारे में पूछा जाएगा, डेमोग्राफीज के बारे में पूछा जाएगा, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ऐसे ही और टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है जनरल इशूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बेस पे। इसके अलावा दोस्तों आपसे बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो जनरल साइंस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर वन का पैटर्न, कि जीएस पेपर वन में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर टू, जिसे आप सीसैट बोलते हैं, उसके बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीएस पेपर टू की, तो दोस्तों जो जीएस पेपर टू हमारा होता है, इसमें जो है जनरल स्टडीज पेपर टू सीसैट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट की बात करें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगर और बात करें तो इसके बाद आपसे बेसिक न्यूमेरेसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका नंबर एंड देयर रिलेशनशिप्स होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, और दोस्तों इसी तरीके से और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों केवल क्लास 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है, मतलब आपको केवल क्लास 10th तक का ही पढ़ना होता है। उसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट आता है वो आता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें आपका चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशियंसी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका क्लास 10th लेवल तक का ही होता है। तो दोस्तों ये था UPSC का प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस, कि प्रीलिम्स में आपसे कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी UPSC का प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस समझ में आ गया हो तो दोस्तों आप भी ये वीडियो कृपया लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।